कराची के माहीगीरों की किस्मत जाग उठी है। माहीगीरों के मुताबिक कई साल बाद बड़ी तादाद में खगा मछली जाल में आई, जिनकी मालियत करोड़ों रुपए है। गुज़श्ता दो रोज में इब्राहिम हैदरी पर 22,000 किलो खगा मछली उतारी गई है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं हबीब खान से। जी हबीब खान, बताइएगा। कराची में एक बार फिर जो है वो माहीगीरों की किस्मत इस बार जो है जाग उठी है और खग्गा मछली जो है वो कई सालों के बाद इतनी बड़ी तादाद में कराची के साहिल से जो है वो कराची के समंदर से जो है वो बरामद हुई है और माहीगीर जो है वो बड़ी तादाद में इसको जेटी पर लेकर पहुंचे हैं। गुज़िश्ता रोज़ के दौरान तकरीबन बताया जा रहा है कि कराची के मुख्तलिफ पोर्ट्स पर 70,000 किलो के करीब जो है वो इस बार खग्गा मछली लाई गई है। इसी हवाले से बात करने के लिए एक माहीगीर भी हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर जो हम लोग की तरफ आया है वो तकरीबन 20,000 से 22,000 किलो तक यहाँ पर आया है। उसमें भी कुछ यहाँ लेके गए, कुछ पंजाब लेके गए, कोई कंपनी पैकिंग किया, इसका अलग अलग है। अच्छा, बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना कि इनका कहना यह है कि खग्गा मछली इस बार जो है वो रवा बरसों के मुकाबले में बड़ी तादाद में जो है वो कराची की जेटी पर लाई गई है और माहीगीर जो है वो इससे भी फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। जहां वो 2,000 रुपये बचा लिया करते थे, इस बार जो है वो ज़्यादा से 5 से 6,000 रुपये एक जो है वो कश्ती के माहीगीर जो है वो उसमें बचा सकेगा। और साथ ही साथ दीगर जो इससे मुंसलिक इंडस्ट्री है जिसमें पैकिंग और इसके अलावा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, वो इस मछली से जो है वो पाकिस्तान की जो बरामदाद है उसमें कई हद तक जो है वो इजाफे का बाइस बनेगी। जी हबीब खान, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।